नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस जियो वेलकम ऑफर के बारे में। तो रिलायंस का जो वेलकम ऑफर है वो बेसिकली कल से 5 सितंबर से लागू हो गया है और अब हर यूज़र को जो भी अब सिम लेगा उसको वेलकम ऑफर उसके साथ मिलेगा। तो वेलकम ऑफर के दौरान आप फ्री में 31 दिसंबर तक इंटरनेट और वॉइस कॉल्स कर पाएंगे। तो बेसिकली इसका जो फ़ायदा क्या है, इससे आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है, अनलिमिटेड 4G डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स। लेकिन लेकिन इसको जो अलग करता है प्रीव्यू ऑफर से वो ये बात है कि आपको वेलकम ऑफर में सिर्फ एक दिन का 4 GB ही 4G इंटरनेट मिलेगा। उसके बाद आपकी जो स्पीड है वो ड्रॉप डाउन कर दी जाएगी 128 KB/s पे। तो ये बहुत कम है और आज मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ बेसिकली, क्योंकि आज 6 सितंबर है और बोला गया था 5 सितंबर से जो सारे यूजर्स हैं और जो सारे प्रीव्यू यूजर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली वेलकम ऑफर पे ट्रांसफर्ड हो जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ स्पीड टेस्ट में आ गए हैं। तो अभी हम स्पीड टेस्ट करने वाले हैं अपने इंटरनेट की, जो हमें करेंट स्पीड मिल रही है। तो अभी तक हमने कोई भी डेटा कंज्यूम नहीं करा है पूरे डे के लिए, तो हमारा पूरा डेटा अभी सेव्ड है, पूरा 4 GB डेटा बचा हुआ है जो हम यूज़ कर सकते हैं पूरे दिन में। तो आप देख सकते हैं जो हमें स्पीड मिल रही है वो 25 Mbps की मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो जो अपलोडिंग स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है, अराउंड 10 Mbps तक जा रही है अपलोडिंग स्पीड, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ डेटा डाउनलोड करते हैं यहाँ पे और फिर उसके बाद दोबारा स्पीड टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर में और वहाँ से कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी डेटा कंज्यूम नहीं करा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल डेटा 0 है। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर पर और कुछ डाउनलोड करते हैं अच्छी अच्छी गेम्स, और कुछ हैवी गेम्स डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि ये गैंगस्टर वेगस काफ़ी बड़ी गेम है और काफ़ी अच्छी गेम है, तो चलिए ऐसी गेम्स, इस टाइप की गेम्स हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो जल्दी से सारी गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वाईफाई का ऑप्शन हटा देता हूँ और प्रोसीड करता हूँ आगे, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो स्पीड मुझे मिल रही है डाउनलोडिंग के दौरान वो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 25 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड आ ही रही है। और नोवा 3 यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं, जो काफ़ी बड़ी गेम है और काफ़ी अच्छी गेम है। तो यहाँ पे मैं सारी गेम्स मोबाइल नेटवर्क पे डाउनलोड कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो सारी गेम्स हैं मोबाइल नेटवर्क पे डाउनलोड हो रही है, वाईफाई मैंने अनेबल ही नहीं कर रखा है। और ये ई UFC भी यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये भी मोबाइल नेटवर्क पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जो सारी एप्लीकेशंस हैं मैंने यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे डाउनलोड कर ली हैं। तो आप इमोर्टल्स देख सकते हैं जो कि 2.5 GB की गेम है, मैं उसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो तकरीबन 4 GB अब हो गया होगा ओवरऑल डेटा जो अभी तक मिला के लगता है। तो चलिए देखते हैं कितना डेटा हमने अभी तक कंज्यूम कर लिया है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितना डेटा कंज्यूम हो गया है। तो आप देख सकते हैं 6 GB से भी ऊपर डेटा कंज्यूम हो गया है, और यहाँ 4 GB नहीं बल्कि हमने 6 GB तक डेटा कंज्यूम कर लिया है। तो आप स्पीड टेस्ट करते हैं कि स्पीड ड्रॉप डाउन हुई है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्पीड जो है वो 10 Mbps से भी ऊपर आ रही है, जो कि 128 Kbps से बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं 20 Mbps तक जा रही है स्पीड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब स्पीड जो है वो बिल्कुल भी ड्रॉप डाउन नहीं हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें पूरी स्पीड मिल रही है, इवन 4 GB डेटा एक्सीड करने के बाद भी हमें कोई ड्रॉप डाउन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो अपलोडिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी स्पीड की हमें ड्रॉप डाउन यहाँ पे नहीं मिली है। यहाँ पे हम 4 GB से भी ज़्यादा डेटा एक्सीड कर चुके थे, लेकिन जो स्पीड थी फिर भी 20 Mbps के अराउंड आ रही थी। तो दोस्तों, आप अभी भी अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है 4 GB जैसी। हो सकता है फ्यूचर में आपको ये 4 GB की लिमिट देखने को मिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा उस बारे में भी। तो बस दोस्तों, आशा रखता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता ही रहूँगा। अगर कोई भी आपके मन में जियो को लेकर क्वेश्चन या क्वेरी है तो उसे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में डालें, मैं आंसर करूँगा। तो बस दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और मैं मिलता हूँ आपको एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।